पर बनी रीबर्थ फिल्म का जो कि शॉर्ट फिल्म है उसका शिलान्यास के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व गुजरात के सह प्रभारी गौरव गौतम ने ओपनिंग की है और जिसके चलते जानकारी दी गई है कि इसमें पूरी जो भी कोविड से जुड़ी हुई गतिविधियां थी उसके बारे में जानकारी दी गई है, किस तरह लोगों ने अपना जीवन लॉकडाउन के चलते बिताया और जो भी उसमें चीजें सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी उसकी पूरी जानकारी शॉर्ट फिल्म में दी गई है। मैं पास प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह रोटरी क्लब पलवल सिटी से, जो ये रीबर्थ आपकी मूवी है ये बहुत बढ़िया है और सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि घर में रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू। आपको रीबर्थ देख के कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा एक मूवी ने बहुत सारे संदेश दिया लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग का अपनाएं हम लोग और सैनिटाइजर का यूज़ करें, अपनी फैमिली का भी केयर करें, घर से बाहर निकलें, जब लोग घर में आए तो शूज वगैरह सारे कपड़े वगैरह पूरी तरह चेंज कर लें और जितना ज़्यादा हो सके हमें बाहर कम निकलने की कोशिश करें। बस अगर ये मूवी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा संदेश दिया। आपको रिवर्स देख के कैसे लगा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है जो कोरोना के ऊपर जो शायद ही किसी फिल्म में दिखाया जाता है, यही लोगों को मैसेज ही मिल रहा है प्लस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। सबसे अच्छा मुझे इस चीज़ का लगा था इसमें। आई होप आप लोगों को मिलियंस व्यूज मिले। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट द मैसेज शुड बी गिवन टू द सोसाइटी। मैसेज शुड बी गिवन टू सोसाइटी, फर्स्ट मैसेज एटलीस्ट वी हैव टू मेक अ सोशल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, right, and always wash your hand whenever you are reaching home before making a contact with your family and members. Okay, yeah. Thank you. नहीं नहीं बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी लगी पिक्चर और ये तो कोरोना के जो इस टाइम हमारे बहुत बड़ी बीमारी इस देश में आई हुई है इसके प्रति आपने जो संदेश दिया बहुत अच्छा है, इसके लिए बड़े हम थैंकफुल हैं। मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आज पलवल सिटी में हम आज आए हुए हैं, आज जिस तरह से आप लोगों ने यह आयोजन कर रखा है रोटरी क्लब ऑफ पलवल सिटी ने, बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ आके, बहुत बढ़िया। बस इतनी ही मैं बात करना चाहूँगा कि हमें इस हालात में ये सारे काम करते हुए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का ये सारा इस चीज़ का भी ध्यान करना चाहिए। रिवर्स की पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, आप कोरोना वॉरियर्स के साथ जो काम कर रहे हैं, जो सब लोगों को सिखा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और हम सबसे यही कहना चाहेंगे जैसे घर में सबके छोटे छोटे बच्चे हैं तो अगर आप किसी भी वजह से घर से बाहर निकलें तो घर में आकर सैनिटाइज़र यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने हैंड वॉश करें और जो बाहर से आकर कपड़े हैं वो चेंज कर लें फिर ही घर में कोई काम करें। मेरा नाम सैम है और इस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिला। इस कहानी ने मुझे इस तरीके से अट्रैक्ट किया जो लिखी गई है यूनिस खान द्वारा और ये बहुत क्रिएटिव आदमी हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी, तो मुझे रहा नहीं गया और मैं निकल पड़ा यूनिस भाई के पास और इस फिल्म को बनाया गया। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि लोग भूल चुके हैं कि कोरोना वायरस है लेकिन इसको देखते ही सबको याद आ जाएगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस है जो 30 लाख लोगों से प्रताड़ित है और इसको लोग अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को जो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का जिन्होंने साथ दिया इसको बनाने में, इसको बेटर बनाने में। और ये 3 दिन का शेड्यूल था, 4 दिन का शेड्यूल था शूटिंग का और 1 महीने इसमें ग्राफिक वर्क और सारी एडिटिंग वगैरह लगी, तो हम सब ने काफ़ी मेहनत करी है इस पर और बहुत अच्छी जाएगी। आप देखिए और एंजॉय करिए। स्टे होम स्टे सेफ। जी मेरा नाम यूनिस खान है एंड एज अ राइटर मैंने जो है इस फिल्म के लिए ये समझ लीजिए कि रात दिन जिस टाइम पे जो दिमाग में आया सब कुछ सोचा, जो चीज़ें हटानी है, जो लगानी है, जो ऐड करनी है, सब कुछ सारी चीज़ें देखी। और दूसरी जो बात है कि
इस फिल्म को बनाने के लिए मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस मेरे पास स्टोरी थी, स्टोरी को लेकर मैंने बहुत सोचा कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है। तो असल में मुझे सबसे बड़ी जो हेल्प जो मिली है इस फिल्म में, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं इसमें सैम खान, तो उन्होंने बहुत हद तक बहुत चीज़ें गाइड करी हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहरहाल मेरी पहली एज अ राइटर ये पहली फिल्म है, तो इसको मैंने जो है बहुत सीरियसली लेके इसमें काम करने की कोशिश की है। चीज़ों को कितना रियलिस्टिक हम बना सकते हैं, उसको रियलिस्टिक दिखाने और बनाने के लिए बहुत चीज़ों पे R&D की है, और बहुत चीज़ें हमने एक्सपेक्ट भी की थी, तो इतना उसमें हम तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना हमने किया उसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम इतना सब इतना कर सकते हैं इस फिल्म के अंदर। और उम्मीद है कि ये जो फिल्म है लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत मेहनत करी है, सब ने बहुत मेहनत करी है, जूनियर आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत करी है, डायरेक्टर ने बहुत मेहनत करी है, और सारी कास्ट ने बहुत मेहनत करी है। तो ये है कि मतलब अच्छी जाएगी हमारी ये, और लोग बहुत इसको पसंद करेंगे, मेरी यही उम्मीद है इस